नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पहली सैलरी और रिटायरमेंट का पैसा, ये दो ऐसी पूंजी होती है जो आप चाहेंगे कि सही जगह पर लगाए, जिससे कि आगे की जिंदगी रहे खुशहाल और अच्छा रिटर्न भी मिले। तो पहली आय से निवेश और बचत के क्या है उपाय, और रिटायरमेंट पूंजी को सही जगह कहां पर लगाएं, इसी पर रहने वाली है आज हमारी चर्चा। सबसे पहले आज के खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं, उनका परिचय कर लेते हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन रूंगटा है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर रूंगटा सिक्योरिटीज, और किरण तेलंग हमारे साथ है, फाइनेंशियल प्लानर, और दोनों का स्वागत करते हैं। किरण और हर्ष, आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। और सबसे पहले नजर आज के शो में क्या है खास, आज हम शो में खास तौर पर समझेंगे पहली सैलरी का निवेश कहां करें, रिटायरमेंट की पूंजी को कहां लगाएं, किस निवेश से मिलेगी महंगाई को मात, और साथ ही बेहतर पोस्ट टैक्स रिटर्न कहां। तो शुरुआत पहली सैलरी से ही कर लेते हैं। बहुत सारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो वर्क फोर्स में शामिल हुए होंगे, और उनके मन में ये ख्याल भी होगा कि जब पहली सैलरी हाथ में आएगी तो किसी अच्छी जगह पर उसको लगाया जाए। तो अब ये अच्छी जगह कौन सी हो सकती है, निवेश का सही तरीका पहली सैलरी से क्या होना चाहिए, इस पर हर्षवर्धन मैं आपके पास आऊंगी और आपसे समझना चाहती हूं कि जब हम निवेश की पहली शुरुआत की बात करते हैं, कहते हैं कि जो आपको पहली सैलरी पास में मिलती है उसमें से थोड़ा प्रतिशत आप निवेश में लगाएं, थोड़ा आपका खर्चा होगा और बाकी जो जरूरतें होंगे आप उसकी पूरी कर सकते हैं। इसमें यह समझना जरूरी है कि पहली सैलरी का निवेश सबसे पहले जरूरी क्यों है। दूसरी बात यह कि जब हम एक प्रपोर्शन की बात करते हैं कि पहली सैलरी में हमें एक्चुअली निवेश करना कितना चाहिए, तो वो एक प्रपोर्शन क्या होना चाहिए। अभी हमें बहुत सारे ऐसे दर्शक देख रहे होंगे जो कि इस शुरुआत को करने की तैयारी कर रहे होंगे। अवैध साथी, आपने सही कहा कि अगर आप इस मुद्दे पे अगर बात करते हैं कि जब आपकी पहली सैलरी आती है और उसी सैलरी में से आप अपना निवेश की जो पूरी जर्नी है वो शुरू करते हैं, तो आपको कितना बड़ा एडवांटेज है, कि अगर हम थोड़े नंबर्स भी अगर देखें तो हमें ना समझ में आ जाएगा। लेकिन यू नो, समझने की क्या बात है, वो ये है कि आज आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं उतनी लंबी अवधि तक आपको जमा करने का मौका मिलता है। तो आपके पास एक बहुत ही एक एडवांटेज है, वो है टाइम। अगर आप कोई भी निवेश अगर एक ना जल्दी शुरू करने की वजह से आपके पास 20-30 साल का टाइम होराइजन मिलता है, तो कितनी बड़ी राशि आप इकट्ठा कर सकते हैं ये एक अनुमान लगाने के बराबर ही होगा। हम आगे जाते हुए उसका एक एग्जाम्पल के साथ में बात भी कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर हम एक प्रपोर्शन की बात करें कि अगर कोई भी एक इंसान जब पहली सैलरी मिलती कितना प्रतिशत उसका वो सेव करें, तो वह मेरा मानना है कि अगर आप अपनी पहली इनकम से एक आदत डालें कि 20% आपके जो भी नेट इन एंड इनकम आती है उसका आप अगर सेविंग्स में लगाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी शुरुआत होगी और ये एक आदत बननी चाहिए ताकि आगे जाते हुए जब आपकी इनकम बढ़ती है उसमें भी आपको 20-20% आपको सेट असाइड करना है, और बाकी का जो 80% होता है, नो डाउट आपका ये हक बनता है कि आप आज की जिंदगी भी इंजॉय करें। तो आपके जो भी एकदम आपको कोई अगर मोबाइल फोन का शौक है, एक्सपेंसिव मोबाइल फोन का है, या आपको छुट्टी पे जाना है, या फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ आउटिंग्स पे जाना है, तो मोस्ट सर्टनली आप खर्चा करिए, क्योंकि खर्च करना भी एक मनी मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तो ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि सिर्फ बचत करनी है, लेकिन एक ऐसा प्रपोर्शन बनाएं ताकि आपको सेविंग्स की भी आदत पड़े और एट द सेम टाइम आप अपने खर्चों को भी मैनेज कर सके, और यही हैबिट आपको आगे जाते हुए भी मिलती रहे। बिल्कुल, मतलब 100 रुपए कमाते हैं तो कम से कम 20 रुपए सोच लीजिए कि हाँ मुझे निवेश करने ही करने हैं, बाकी बचे 80 रुपए ये आप पे निर्भर करता है आप उसको कहाँ खर्च करना चाहते हैं। जितना ज्यादा निवेश करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, लेकिन हाँ मनी मैनेजमेंट, जैसा कि हर्ष ने बताया कि मनी मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो खर्च भी होता है। आप कितना खर्च करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, ये भी आपको लाइफ के शुरुआती दौर में ही मालूम चलता है, मालूम चलना भी चाहिए। अब जरा दूसरे स्टेज पर आते हैं, हम एक स्टेज और लास्ट जो दूसरा स्टेज है दोनों में एक एक करके बातचीत करते रहेंगे, और मैं किरण के पास अब आने वाली हूं। पहले सैलरी से निवेश की बात तो हुई किरण, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है रिटायरमेंट पे जो हमें पूंजी मिलती है। कई लोग रिटायर होने वाले होंगे या फिर कई ऐसे लोग होंगे जो कि रिटायर हो चुके होंगे, अब रिटायरमेंट पे हमें मालूम है कि हमें इकट्ठा काफी पूंजी मिलती है, एक मुश्त रकम भी मिलती है,
कुछ प्रोविडेंट फंड हो गया हमारा, या फिर ग्रेच्युटी हो गई, कहीं पर आपने रिटायरमेंट सेविंग्स की है तो उसका एक मुश्त पैसा मिलता है। सबसे ज्यादा हमसे सवाल पूछे जाता है कि आप रिटायरमेंट पे मुझे इतनी रकम मिल तो गई, मैं उसका करूं क्या? तो ये जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि रिटायरमेंट पूंजी का जो निवेश है उसका सही इस्तेमाल कहां, मतलब इक्विटी डेट का रेशो कितना होना चाहिए और कहां पर निवेश करें और कहां निवेश नहीं करना चाहिए। डिटेल्स में बाद में आपसे समझूंगी, एक नटशेल में पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी स्वाति, ये समझना पहले जरूरी है कि जो रिटायरमेंट है ये एक फेज है लाइफ का, मतलब आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं यहां से। जनरली लोग 50 से 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, तो आप अगर देखें आजकल की जो लोगों की लॉन्जिविटी है, मतलब लोग 90-95-100 साल तक जी रहे हैं, तो आप समझिए कि 60 के बाद कम से कम 30-40 साल की जर्नी है। तो ये कोई छोटा समय नहीं है, छोटी अवधि नहीं है। तो आपको ये समझ के चलना है कि जो पूंजी आपने जमा की है अब तक आपके सैलरी से, प्रोफेशन से या अपने बिजनेस से, उसको आपको दो तरीके से देखना है। एक तो आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है कि जो आपने जमा की है वो कहीं खत्म ना हो जाए आपकी लाइफ से पहले, और दूसरी बात ये कि इन्फ्लेशन का हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि महंगाई बढ़ती रहती है और 30-40 साल बहुत लंबा समय है। तो आपकी जो इनकम है, आप जो इस पूंजी जमा की हुई पूंजी से आप जो इनकम जनरेट करेंगे उसमें आपको हर साल थोड़ी बढ़त होनी चाहिए, इस तरह से आपको निवेश करना है। तो दो पहलू की तरफ ध्यान रखने की जरूरत है, एक की आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे और दूसरी की जहां आपकी कैपिटल की ग्रोथ होती रहे। तो ये दोनों जो है इनमें एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, और उस बैलेंस को मद्देनजर रखते हुए आपको अपने इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स चुनने होंगे, मतलब जो अलग अलग तरीके से आप प्रोडक्ट्स चुनते हैं इन्वेस्टमेंट के, तो इस बैलेंस को बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बैलेंस के लिए अलग अलग एसेट क्लास आपके लिए है, इक्विटी डेट कैटेगरीज हैं, फिक्स इनकम स्कीम्स हैं जो कि खासतौर पर सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो सकती है, उन पर एक एक करके आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे किरण ने बोला कि 60 तो बस एक नंबर है, आपको आगे आने वाले 20-25 सालों की प्लानिंग भी करनी है। तो वो जो एक मुश्त पैसा है अब आपको कहां लगाना चाहिए, थोड़ा डेट थोड़ा इक्विटी, उन तमाम कैटेगरीज पर धीरे धीरे करके हम आगे अब शो में चर्चा करेंगे। अब जरा पहली सैलरी पर आ जाते हैं हर्षवर्धन। अब पहली सैलरी मतलब पहली आय और पहला निवेश, हम कहते हैं कि शुरुआत आप एक लक्ष्य बनाने से करें, और पहली सैलरी जो ले रहे हैं हम ये मान के चल रहे हैं कि वो अपने अर्ली 20s या मिड 20s में होंगे, उनके पास तो बहुत सारे लक्ष्य हैं पूरे करने के लिए, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो उनको पूरी करनी है। तो लक्ष्य और निवेश इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आप कैसे कैटेगराइज करेंगे? अगर साथी आपने सही कहा कि क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं तो आगे जाते हुए आपके पास काफी ऐसे लक्ष्य हैं जो आपको अभी तो माइलस्टोन्स पूरे करने हैं, अचीव करने हैं। लेकिन अगर हम समझे एक माइंडसेट में, हमने कई यंगस्टर्स और जो फ्रेशर्स हैं जो करंटली जॉब में जॉब शुरू किए हैं, हमने देखा है कि उनकी जो इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या लाइबिलिटीज होती हैं वो ज्यादा नहीं होती हैं। तो और एक ना एक थ्रिल चाहिए होता है, एक ऐसा एक्साइटमेंट चाहिए होता है कि कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा रिस्क लेना और कोई नई फैंसी चीजें करनी है। तो पहली सलाह मेरे यही रहेगी इनके लिए कि कोई भी चीज में आप ध्यान रखें कि कोई भी अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में कभी भी निवेश ना करें। तो कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट उठाते हैं, कोई भी एसेट क्लास देखते हैं या कोई भी प्रोडक्ट आपके सामने आता है, पहले ये देखिए कि उसे रेगुलेट कौन कर रहा है, क्या अपनी सरकार ने उसे रेकग्नाइज किया है, और क्या आपको अगर कभी कोई शिकायत होगी तो किसके दरवाजे पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। तो सेबी हो सकता है, IRDA हो सकता है या RBI, कोई भी हो सकता है। तो आपको पहले जानना होगा कि आप कहां पे उसे उसकी जाके शिकायत दर्ज करेंगे। ये मैं पर्टिकुलर रेफरेंस दे रहा हूं क्रिप्टो करेंसीज या क्रिप्टो एसेट या बिटकॉइन, जो हम देखते हैं इतना पॉपुलर चलन हो रखा है, लोगों को कोई समझता नहीं बिटकॉइन होता क्या है। इनफैक्ट मुझे खुद को समझ में नहीं आता, मैंने कुछ भी बिटकॉइन में आज तक एक्सपोजर लिया नहीं है, लेकिन मैंने इतने लोगों को देखा है कि वो एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स के इच्छा में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स और पैसे लगाते हैं जो अनरेगुलेटेड है और कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी की निवेश की जो शुरुआत है अगर आप ऐसे गलत तरीके से करेंगे तो यही आगे जाते हुए आप पे बहुत ज्यादा असर करने लगेगा। तो ये हो गई अपनी आदतों के बारे में। अब दूसरी बात है जो आपने कहा कि अपने लक्ष्य को गोल्स हैं आपके एसेट्स को आपको मैच करना होगा। तो एक अगर दो बेसिक पॉइंट्स बता दूं जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, जैसे कई लोग हैं जो जॉब अभी शुरू करते हैं और मिड करियर में उन्हें वापस हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं ताकि उन्हें करियर में बढ़ोतरी मिले,
मिड करियर एजुकेशन हो गया, आपके इमीडिएट में मैरिज रिक्वायरमेंट हो सकती है, कार या मोटरसाइकिल खरीदना होगा या घर खरीदने का लक्ष्य होगा, जो इमीडिएट या शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, इसके लिए आपको डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होगा या हाइब्रिड प्रोडक्ट्स में। तो ध्यान रखिए एसेट क्लास क्या है कि आपको नॉन इक्विटी या तो हाइब्रिड प्रोडक्ट जिसमें इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होता है, डिपेंडिंग ऑन कितने सालों में आपको आपके लक्ष्य पूरे करने हैं। जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, घर भी एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, आपका रिटायरमेंट हो सकता है या फ्यूचर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे आगे जाके आपको पता है कि अगर आपकी शादी होगी तो बच्चे वगैरह भी होंगे तो उस समय उनकी पढ़ाई वगैरह का भी प्लानिंग करनी है आपको। तो मिड लाइफ की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स आएंगी उसकी भी तैयारी आप पहली सैलरी से कर सकते हैं। तो ये जो आपके लंबे अवधि के जो गोल्स हैं उसके लिए आपको इक्विटीज ग्रोथ एसेट्स में आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो ये एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसको ध्यान में रखें। मैं सिर्फ एक क्विकली रिपीट कर दूं क्या चीज से अवॉइड करना, एनी अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट को अवॉइड करना है और जो आपके लक्ष्य है उनके हिसाब से आपको डेट हाइब्रिड या इक्विटी फंड्स का या इक्विटी एसेट्स का आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। तो एक अगर पहले से ही प्लानिंग कर लेंगे कि हाँ हमें निवेश कौन से लक्ष्य के लिए करना है, एक लक्ष्य के साथ एक SIP आप जोड़ सकते हैं या फिर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा एक गोल है मुझे इतने साल तक इसमें निवेश करना है और 20s में अगर आप निवेश की शुरुआत करते हैं उसका फायदा आपको कैसे होगा, मैं थोड़ी देर में हर्षवर्धन से जरूर समझूंगी, उदाहरण मैं चाहूंगी वो दें और अलग अलग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से आप अपने लिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान तैयार कर सकते हैं। और सिर्फ पहली सैलरी से नहीं, हर सैलरी से आपको निवेश करना है और जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी उस निवेश के पोर्शन को आप बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे ही तो आपका वेल्थ क्रिएट होगा। अब जरा रिटायरमेंट की तरफ आते हैं। रिटायरमेंट की पूंजी के निवेश में हमने समझा किरण आपसे कि डेट और इक्विटी का एक तालमेल होना चाहिए। डेट में थोड़ा ज्यादा आप रख सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा आपको रिस्क थोड़ा कम रखना चाहिए और इक्विटी पोर्शन में कैपिटल अप्रिसिएशन की भी जरूरत पड़ेगी रिटायरमेंट में। अब थोड़ा सा अगर हम रिटायरमेंट का पैसा कहाँ लगाएं, इसके कुछ हम आपसे एग्जांपल्स अगर समझे, क्योंकि काफी स्कीम्स है जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, यहाँ काफी ऐसी कैटेगरी जो स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन को फायदा पहुंचाती है, उनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है? देखिए स्वाति, ये जो हम बैलेंस की बात कर रहे हैं तो बैलेंस मोस्टली जो डेट और इक्विटी पोर्शन है उसके बीच में हम क्रिएट करते हैं और इस बैलेंस की जरूरत इसीलिए है कि एक तो आपकी इनकम आनी चाहिए जैसे मैंने कहा और वो बढ़ती रहनी चाहिए हर साल। दूसरी ये कि फ्यूचर में जब इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो इनकम है वो कम पड़ेगी तब आपको कोई ऐसा एसेट क्लास में आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जहां से आप एक मुश्त पैसा निकाल सकें अगर जरूरत पड़े तो, जैसे एजिंग के वजह से अगर इल हेल्थ या हॉस्पिटलाइजेशन है ऐसी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं आगे। और कुछ लोगों का ऐसे भी होता है, मतलब रिटायर हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई मेजर रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कई लोगों को नई जगह रिलोकेट होकर एक नया घर खरीदना पड़ता है तो हो सकता है उसके लिए भी पैसा चाहिए हो। तो ये सारी चीजें देखते हुए अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो जो डेट पोर्शन है उसमें कुछ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हुई या प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना हुई, ये जो है फिक्स्ड रिटर्न वाली स्कीम्स हैं, इनमें आपका पैसा लॉक इन हो जाता है और इनमें एक अपर लिमिट होती है कि आप 15 लाख से ऊपर इनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते एक नाम में। तो ये कुछ पोर्शन आप इसमें डाल सकते हैं, इन तरह की स्कीम्स में डाल सकते हैं। कुछ पोर्शन जो हम डेट की बात करते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, आप डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ देख सकते हैं। लोगों को फिक्स डिपॉजिट से काफी मतलब सहूलियत रहती है बिकॉज सिंपल प्रोडक्ट है, लोगों के ज्यादा समझ में आता है, एक्सेसिबिलिटी अच्छी है बिकॉज अपने नजदीक के बैंक में जाके आप फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। बट फिक्स डिपॉजिट की तरफ आपको एक ये ध्यान में रखना है कि इनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं इसमें आपको पोस्ट टैक्स जो रिटर्न हाथ में आता है वो एक्चुअली इन्फ्लेशन को देखते हुए नेगेटिव होता है कई बार। तो जैसे समझिए आजकल का रेट समझिए 6% चल रहा है और आपका इन्फ्लेशन भी 6 और 7 के बीच में है तो आपको एक्चुअली नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है विदाउट टैक्स ऑल्सो। इसमें टैक्स तो कटेगा ही कटेगा आपकी इनकम के हिसाब से, प्लस अगर आप इन्फ्लेशन पकड़े तो एक्चुअली आपके पैसे कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, दे आर नॉट बीटिंग इन्फ्लेशन। तो उस हिसाब से FD की तरफ आप थोड़ा सा मतलब सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। इसके मुकाबले में डेट म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स हैं उसमें टैक्स में थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाता है बिकॉज इसका टैक्सेशन थोड़ा अलग तरीके से होता है वीजा वी द फिक्स डिपॉजिट। तो ये कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। अब जहां इक्विटी की बात आती है, इक्विटी में आपके पास ऑप्शंस खुले हैं, आप या तो डायरेक्ट स्टॉक्स लीजिए अगर आपकी समझ में आते हैं, स्टॉक्स का अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, या आप डाइवर्सिफाइड जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की जो हाइब्रिड कैटेगरी जिनके बारे में हर्ष भी अभी बात कर रहे थे वो भी कैटेगरी
कुछ लोगों के लिए सूटेबल हो सकती हैं अगर आप थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहें इक्विटी में भी। तो इस तरह से आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, एक ही तरह के इन्वेस्टमेंट मत रखिए। आप अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा, आपकी सारी जरूरतें जो इनकम की हैं, कैपिटल प्रोटेक्शन है और ग्रोथ है, ये सारी चीजें आपको काफी आसानी से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में मिल सकती है। बिल्कुल, तो अब ये समझना भी जरूरी है, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद, कि रेगुलर आय के लिए 60 साल के बाद आपको क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है, कहां पर निवेश आप कर सकते हैं, और जितना जल्दी आप शुरुआत करते हैं उसका फायदा आपको कैसे मिलता है। मतलब कोई 25 साल में निवेश शुरुआत करे और कोई 30 साल में निवेश शुरुआत करे, उसका फायदा आगे आने वाले 30 सालों में आप पर कैसा पड़ेगा, इसको समझेंगे उदाहरण के जरिए, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। पहली और आखिरी सैलरी के निवेश प्लानिंग हम आज कर रहे हैं, हमारे साथ हर्षवर्धन रूंगटा और किरण तैलंग से हम कर रहे हैं बातचीत। हर्षवर्धन हमें बता रहे हैं पहली सैलरी की प्लानिंग, और हम पूछ रहे हैं किरण से कि रिटायरमेंट की पूंजी आप कहां पर सही जगह लगा सकते हैं। हर्षवर्धन, अब मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जब हम छोटे निवेश और बड़े शुरुआत की बात करते हैं, क्योंकि निवेश कभी छोटा नहीं होता है, आप छोटी छोटी पूंजी से जरूर शुरुआत करते हैं जिसके बाद आप एक अपने लिए बड़ी रकम इकट्ठा कर सकते हैं। इसको अगर हम उदाहरण के जरिए समझें, क्योंकि लोगों के मन में काफी उत्सुकता होती है कि पहली सैलरी से निवेश करके मुझे क्या फायदा होगा, थोड़ा सा मैं अगर रुक जाऊं तो शायद थोड़ा अपने पे खर्च कर लूं, उसके बाद में निवेश की शुरुआत करूं, तो इसको आप कैसे समझाएंगे दर्शकों को कि जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ही फायदा है। वेल स्वाति, आपने सही कहा कि एक जो प्रॉब्लम जो न्यू इनकम जनरेटिंग पॉपुलेशन होती है उनके साथ क्या होती है, वो ये सोचते हैं कि अभी तो मेरी इनकम बहुत कम है, अभी तो मुझे मान लीजिए प्रोबेशन पे हूं या जस्ट फर्स्ट जॉब है तो सैलरी बहुत कम है, तो उससे मैं उसमें से अगर 20% निकालू या छोटी सी कोई भी रकम निकालू तो कितना बनेगा आगे जाते हुए, इससे अच्छा जब इनकम बढ़ जाए तब मैं निवेश करूं। तो ये वो अंडर एस्टिमेट करते हैं कि एक छोटी रकम भी कितनी बड़ी बन सकती है अगर आप टाइमली और फर्स्ट पे कैसे शुरू करें। और अगर एक 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 उदाहरण ले, हम सिर्फ 1,000 रुपए महीने का अगर एक एग्जाम्पल ले, तो दो दोस्तों के बारे में बात करते हैं, राम और श्याम दो दोस्त हैं जो दोनों की जॉब 25 साल की उम्र में लग चुकी है, और राम ने क्या किया, उसने अपनी पहली सैलरी जब आई उसमें से 1,000 रुपए की SIP उसने शुरू की इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और 30 साल का नजरिया लिया कि भाई 55 साल की उम्र में मेरे पास पैसे इकट्ठे होने चाहिए और ये 1,000 रुपए में अलग आज से ही रख देता हूं। श्याम ने ये सोचा कि अभी तो कुछ फायदा है नहीं 1,000 रुपए रखते, इससे अच्छा इनकम बढ़ेगी, तो 5 साल बाद श्याम ने अपना ये इन्वेस्टमेंट शुरू किया 1,000 रुपए का मान लीजिए। तो राम जब 55 साल के हुए, अगर हम इस इक्विटी SIP पे अगर हम एक अनुमान लगाएं कि 14% का आसपास उन्हें एनुअलाइज रिटर्न मिला, तो 55 साल की उम्र में यही 1,000 रुपए जो राम ने शुरुआत से की थी वो कॉर्पस बन जाता करीबन 54 लाख रुपए, इट इज 54 लाख, ये बढ़ के 1,000 रुपए मात्र इतना बड़ी रकम बन जाती 55 साल की उम्र में। और शाम क्योंकि उन्होंने 5 साल लेट शुरू किया था तो उतना ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम किया है, शाम का जो कॉर्पस 55 साल की उम्र में बनता है वो होता है करीबन 26 लाख रुपए, तो यस ये आधे से भी कम हो जाता है। तो पॉइंट ये होता है कि जितना जल्दी आप शुरू करते हैं उतना ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलता है, भले रकम छोटी हो आप 500-1,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। बहुत जरूरी क्या है कि आप एक आदत बनाएं, अपनी पहली इनकम से आप एक एक एक, एक स्ट्रैटेजी बनाएं, और 20% तक अगर आप अलग रखने लग जाए अपनी इनकम का, आगे जाते हुए बहुत बड़ी रकम बन जाती है। तो एक और लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा इस चीज को लेते हुए कि कभी भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करें एक प्रोफेशनल हेल्प लें, क्योंकि मान लीजिए आपने शुरू तो कर लिया लेकिन अगर गलत प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया और फिर 5 या 10 साल बाद आपको रियलाइज हुआ कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू तो किया लेकिन गलत जगह पे कर दिया, तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो आपने बहुत हद तक खो दिया। तो अगर छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें तो हम आगे जाते हुए अपने फर्स्ट पे चेक से एक अच्छी खासी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकते हैं। बिल्कुल, अब किरण मैं जरा एक बड़े सवाल पर ये आती हूँ, वो ये है कि 60 के बाद हमें एक, क्योंकि पहली सैलरी और आखिरी जो रिटायरमेंट पूंजी है उसके बाद तो हमें रेगुलर आय के लिए, हमारे पास प्रॉपर जो जो रिटायर हो जाते हैं उनके पास रेगुलर आय का उतना जरिया नहीं होता है, तो रेगुलर आय के विकल्प में कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि हाँ रिटायरीज के लिए एक अच्छा विकल्प है? देखिए, अभी जो हर्ष बता रहे थे यंग अर्नर्स के लिए, तो ये जो SIP का रूट बता रहे थे कि आप 1,000 रुपए महीने इन्वेस्ट कीजिए,
तो हम जहां रिटायरीज की बात पे आते हैं तो ये पूरा जो है ये बात पलट जाती है। अब आपके पास एक एकमुश्त रकम है, आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप उससे मंथली निकाल रहे हैं पैसा। तो ये जो एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज किया जा सकता है रिटायरमेंट इनकम जनरेट करने के लिए। तो आप समझिए आपकी रिटायरमेंट की जो पीएफ का पैसा आया है या ग्रेचुटी का पैसा आया है, जितना भी है आप उसमें से एक बड़ी अमाउंट आप एक डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए और वहां से महीने का आप जितना चाहते हैं इनकम आप वो फिक्स कर दीजिए कि मुझे 10,000 रुपया महीना निकालना है या 25,000 रुपया महीना निकालना है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप एक फिक्स डेट पर फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं और ये हर महीने आपको फिक्स्ड सेम डेट पे मिलती रहेगी। तो इट बिकम्स लाइक अ सेकेंड सैलरी दैट कम्स टू यू। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है और इसमें फायदा ये होता है कि जो आपको टैक्स लगता है इस पे, ये कैपिटल गेन टैक्सेशन होता है। तो चूंकि ये इंटरेस्ट टैक्सेशन से काफी अलग तरीके से कैलकुलेट होता है तो इसमें आपकी टैक्स आउटगो जो हो जाती है वो काफी कम हो जाती है। अगर आप सेम अमाउंट म्यूचुअल फंड में डाल के सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करने के बजाय आप अगर फिक्स डिपॉजिट में रखें तो उसपे आपकी टैक्सेशन क्योंकि इंटरेस्ट पे होती है तो वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो ये टैक्स में भी काफी बचत हो जाती है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आप अगर निवेश करें। तो ये तो एक ऑप्शन है। दूसरा तो मैंने जो पहले बताया था कि जो सरकारी स्कीम्स हैं, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हुई या प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है, उसमें तो 15 लाख आप लगाएंगे तो 15 लाख पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर्ड होता है उस टाइम पे, अभी मेरे हिसाब से 7.4% है, तो उस हिसाब से आपको उसकी जो समय अवधि है वो तब तक आपको वो पैसा मिलता रहेगा और मैच्योरिटी के बाद आपकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं जहां से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कई रिटायरीज के पास सेकेंड होम्स होते हैं जो वो रेंट पे दे देते हैं तो कुछ रेंटल इनकम भी आ जाती है। तो इस तरीके से कुछ मिला जुला के मतलब ये 2-3 तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। इसमें सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल मेरे हिसाब से ये डेट म्यूचुअल फंड से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान वाला जो है ये सबसे फ्लेक्सिबल तरीका है। बिल्कुल। तो रिटायरमेंट से पहले कामकाजी दिनों में SIP और रिटायरमेंट के बाद रेगुलर आय के लिए SWP। इसी के साथ इस शो का करते हैं अंत। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन और किरण, आप दोनों ही हमारे साथ मनी गुरु के शो में शामिल हुए। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।